वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सिर्फ 15 मिनट में जड़ से खत्म कर देगी। ये होम रेमेडी हाईली इफेक्टिव है और इसके सिर्फ एक ही इस्तेमाल से आपको अपने बालों में भी फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये होम रेमेडी आपके बालों में से डैंड्रफ हटाने के साथ साथ आपके बालों को लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी बनाती है। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करेंगे तो ये होम रेमेडी आपके हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हाईली इफेक्टिव होम रेमेडी को कैसे बनाया जाए। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दही चाहिए, जिसको हम कर्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही ली है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ मीडियम है, बट आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग दही ले सकते हैं। अब आप इस दही में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। नींबू और दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है डैंड्रफ हटाने के लिए, इसलिए मैंने इस होम रेमेडी में ये दोनों हाईली इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। और लास्ट में नींबू निचोड़ने के बाद आप इसके अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ऑयल इसलिए यूज़ किया है ताकि नींबू आपके बालों को रफ ना बनाए और ये ऑयल आपके बालों को नरिशमेंट दे। और सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएं और एक स्मूथ और लम्प फ्री मिक्सचर बनाए। और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी ये होम रेमेडी रेडी है। अब आपको मैं इसको यूज़ करने का प्रोसीजर बताती हूँ। और इस होम रेमेडी को यूज़ करना भी बहुत ईजी है। आप बस इस होम रेमेडी को अपनी जड़ों में और बालों पर अच्छे से लगा लीजिए और उसको ऐसे ही 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और 15 से 20 मिनट के बाद अपने बालों को धो लीजिए और शैम्पू और कंडीशन कर लीजिए। ये एक हाईली इफेक्टिव होम रेमेडी है जो कि आपके डैंड्रफ को सिर्फ एक ही इस्तेमाल में कम्प्लीटली रिमूव कर देगी। ये होम रेमेडी आपके हेयर स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के साथ साथ आपके बालों को एक्सट्रीमली लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और लस्टर्स बनाती है। और अगर आप इस होम रेमेडी से बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ये हेयर मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए।